हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है 20 जनवरी और मेरा पति देव की यानी कि हस्बैंड की बर्थडे है, तो कल से केक पेक कटिंग वगैरह किया और कुछ स्पेशल नहीं था। आज जैसे घर में चिकन वगैरह बनता है वैसे मैंने दोपहर को बनाई थी। अभी हम जा रहे रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो मैंने कुछ स्पेशल व्लॉग मैंने शूट नहीं की थी क्योंकि एक ही घर में खाना खाना, एक ही खाना बनाना, वो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, एक ही चीज़ दिखाते ही। तो इसलिए मैंने सोची तो चलो शाम से ही थोड़ा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जस्ट मेरा मेकअप देखो, बहुत इजीली कंप्लीट हो गया है और बहुत ईजी मेकअप किया मैंने, क्योंकि ठंड के टाइम पर आधा मेकअप तो आपके कपड़े के अंदर ही छुप जाते, तो क्या मेकअप करना है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इजी मेकअप किया मैंने, थोड़ा एक स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक अप्लाई किया जो कि ना रेड कलर की है, आपको दिख रहा है, और थोड़ा पॉन्ड्स बेबी क्रीम अप्लाई किया और लैक्मे का फाउंडेशन जो मैंने मेकअप वीडियो में हमेशा करती हूँ, लैक्मे की फाउंडेशन ना, नॉट फाउंडेशन, कम्पैक्ट पाउडर जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो वो अप्लाई किया। और थ्रेडिंग तो बनाई नहीं है, आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैंने जो पेंसिल नहीं आती थ्रेडिंग मतलब आईब्रो पेंसिल बोलते जिसको, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। ये लोकल मार्केट में मिलता है ये वाला पेंसिल्स ना, मतलब लोकल मार्केट नहीं, लोकल कोई भी कॉस्मेटिक शॉप में आपको ये वाला पेंसिल मिल जाता है, बहुत अच्छा से ईजिली आपका जो आईब्रो है वो ड्रॉ हो जाता है, मतलब फटाफट आप करना चाहते हो तो बहुत इजीली ड्रॉ हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा आईब्रो अच्छा से एकदम टाइम लेके इसको फिलअप नहीं किया, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट किया क्योंकि 7 बज चुका है, तो हम सोचे थे 7:30 बजे नगद हम पहुँच जाना चाहते थे, बट 7 बज गया क्योंकि मैं ही खुद कहीं गई थी तो वहाँ से मैं लेट आई। तो अभी हम जाएंगे, वॉच थोड़ा नया है तो मुझे इसको पहनने में थोड़ा तकलीफ़ हो रही है, नया नहीं है मतलब इसका जो बेल्ट है नया है, और देन थोड़ा सा ब्लाउज अप्लाई किया और कुछ नहीं। और यहाँ पे आज जो ठंड है ना काफ़ी ज़्यादा है, मतलब धूप ही नहीं निकली थी आज, इतना ठंड है आप मान के चलो, धूप नहीं निकली थी, कोहरा तो था नहीं बट बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था तो मतलब क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल कोहरा नहीं था, बहुत हवा था, ठंड है अभी भी बाहर में, बहुत ज़्यादा ठंड है, इससे भी मानेगा नहीं ठंड, इतना ही ठंड है। तभी भी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने क्योंकि हबी की बर्थडे है, आज 20 जनवरी है और क्या बोलते हैं 2020 का जो बर्थडे था उसका व्लॉग भी है, अगर आपको देखना है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल में वो व्लॉग चेकआउट कर सकते हो। आई होप कि वो व्लॉग भी आपको अच्छा लगेगा, बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल से व्लॉग है और ये वाला भी आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए हम निकालते हैं अभी रेस्टोरेंट की तरफ, एक दो रेस्टोरेंट हम पहले चेकआउट कर लेंगे, मतलब चेक कर लेंगे, जो अच्छा होगा उसमें हम जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। बोलते हैं ना जो क्या सोचा था और क्या हो गया, मतलब क्या सोच के तुम कर रहे हो और क्या हो रहा है, तो सोचो कुछ एक और होता कुछ और एक, तो ये भी है जो बिना सोच के भी कुछ अच्छा ही चीज़ मिल जाता है, मतलब मतलब बोलते हैं ना जो कुछ कहावत होता है ना जो ना सोच के बारिश आ जाता है ऐसा कुछ, तो बहुत अच्छा है होटल है। तो चलिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। इसके
ऑपोजिट में जस्ट रेडिएशन ब्लू है और एक एडवेंचर रेस्टोरेंट है। ग्रीनरी दिख रहा है, दिन में आएंगे तो शायद मैं ये देख पाऊँगी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और ऑपोजिट में रेडिएशन ब्लू है, मैं आपको दिखाती हूँ रेडिएशन ब्लू। ओ देखिए, दिख रहा है जस्ट इसके ऑपोजिट में ही है रेडिएशन ब्लू। पता नहीं आप कितना मेरे आवाज़ कैप्चर कर पा रहे हो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। ओके एनीवेज, क्योंकि यहाँ पे जनरेटर भी चल रहा है और बाहर गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा आवाज़ है। ये देखिए जंगल, पूरा ही अंधेरा, देखिए पूरा अंधेरा है। और हम जिसके पहले होटल सुंदर में गए थे ना, वहाँ थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा है, उतना शांत महल भी नहीं। सीढ़ी से ऊपर चढ़ते चढ़ते उफ गाइस, अभी 10:15 हो गया, हम घर आ गए हैं। और वो जो रेस्टोरेंट है वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, प्राइस भी उसका ठीक ठाक था। जो रुद्रपुर में है, जिन लोगों को पता है रेस्टोरेंट के बारे में, वो तो बहुत अच्छी बात है यार। जिन लोगों को थोड़ा सांस ले लेती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर कोई सोनिया बोल के एक रेस्टोरेंट है, उसके साथ ए वाला रेस्टोरेंट का कंपेयर करो तो ए वाला रेस्टोरेंट मैं बोलूँगी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें खाने का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, पूरा अच्छा से ग्रीनरी मतलब ग्रीनरी आपको ओरिजिनल तो नहीं है, प्लास्टिक का ही जो ग्रीनरी का सजावट है, बट बहुत अच्छा है। डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है, एडवेंचर है मतलब पूरा प्लेस। और खाना पीना अच्छा था, प्राइस भी अच्छी है, बहुत अच्छा है। तो हम सूप पिया और लास्ट में जो मेन कोर्स में हमारा नान था, नान और क्या पनीर दो प्याज़ा हाँ क्या बोलते उसको, पनीर दो प्याज़ा था मेन कोर्स में। तो वो तो हम खा ही नहीं पाए, 4 बटर नान हमने ऑर्डर किए थे, बट इतना हो गया था 4 बटर नान स्टार्टर खाने के बाद। ओ माय गॉड, हम तो खाना ही नहीं खा पाए और सारे पैक करके हम वापस लेके आए। बीच में ये हो गया जो हम आधा रास्ता आ गए थे, फिर हम गाड़ी घुमा के फिर रेस्टोरेंट में गए, फिर खाना लेके आए, तो उन्होंने भी बोला हमने भी भूल गए थे, पैक करके ऐसे ही रखा हुआ था एज इट इज़। तो फिर हम लेके आए, तो फिर अभी जस्ट आए, अभी चेंज करेंगे। मैं देखिए चेंज भी नहीं की हूँ,
वैसे अभी सब पहले तो मेरा काम है मेकअप को रिमूव करना, वही मैं करूँगी। और ये है मेरा मास्क, सबसे सेफ्टी चीज़ जो है अभी इसी टाइम के लिए। तो मास्क खोलना है, सारे ड्रेस अप चेंज करूँगी, मेकअप पहले रिमूव करूँगी। बाल का हालत बहुत ख़राब है और बाहर भी बहुत ज़्यादा ठंड है, इतना फॉग भर गया है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्या बताऊँ। तो चलिए गाइस, आज के लिए मेरा व्लॉग इतना ही था। और उसके अंदर मैं रेस्टोरेंट के अंदर कुछ भी बात नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे सॉन्ग चल रहा था, तो मेरे अकेले के लिए सॉन्ग तो मैं बन नहीं कर सकती हूँ ना, तो मैं कर ही रही थी। उसके बाद मुझे धीमी धीमी आवाज़ में सॉन्ग सुनाई दिया, तो मैंने वहाँ पे स्टॉप हो गई थी, बात करना बंद कर दी थी। पर चलिए, आज का दिन ठीक ठाक गया, मतलब अच्छा ही गया है। और बस फिर उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग में फिर मिलूँगी। ऐसे तो वीडियो आते रहेगा बट ब्लॉग बीच बीच में आएगा। तो चलिए गाइस, गुड नाइट एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहिए। बाय एंड गुड नाइट।